बैच जो लिंक रोड है ऊपर जा रही थी, एक टैंकर जा रहा था और हमने सुना जब कि अचानक एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ मौके पे पहुँचे और वहाँ पे मशीन थी हमारे पास और हमने उसके साथ उठा के और बीच नीचे से तीन लड़कों को निकाला और बहुत जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया उनको और अब हॉस्पिटल पहुँच में हैं तो ज़ेर इलाज है, लेकिन ठीक है, सक्सेसफुल है, ऐसी कोई रिस्क वाली बात नहीं है। और बाकी लोगों का बड़ा तावन रहा वहाँ पे और साथ में SHO साहब पहुँचे और DSP ऑपरेशन अजाज साहब भी पहुँच गए और इमीडिएट वहाँ पहुँचे तो उनने वहाँ से रेस्क्यू किया, तो उनको हॉस्पिटल लाए और अब ठीक है, हमने पता लगाया उनका ठीक है। तीनों लोग गाड़ी के नीचे दबे हुए थे, तीनों लोग गाड़ी के नीचे थे और बड़ी मुश्किल से, अगर वहाँ पे लोकल पब्लिक अगर वहाँ पे रेस्क्यू इमरजेंसी रेस्क्यू ना करती तो बड़ा मुश्किल था, आधे घंटे में ये लड़के तीनों कुछ भी हो सकता था, लेकिन लोगों ने बड़ा तावन किया और वहाँ पे मशीन थी एक छोटी JCP, वहाँ से हमने टोजन करके उसको ऊपर उठाया और उठा के नीचे से इन तीनों को निकाला। ये जो एक्सीडेंट बेंच में हुआ है, सुना है कि कोई टैंकर जो है वो उलट गया, उसमें तीन लड़के जो है यहाँ पर हमारे पास लाए गए हैं, उनमें से एक जो है वो चेस्ट ट्रामा है, उसको तो अभी हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, तकरीबन एक घंटे के बाद उसकी सही पोजिशन हम क्लियर कर पाएंगे, लेकिन दूसरे दो जो हैं वो माइनर इंजरीज हैं, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज ही हैं, फर्स्ट एड तीनों को दे दी गई है, डॉक्टर ने डील कर लिया है, तो ये करीबन 6:30 बजे हमारे पास यहाँ पर पहुँचे थे और इफेक्टिवली मैनेज कर दिए गए हैं, और दो जो है बिल्कुल वो नॉर्मल हैं और तीसरा जो है उसको हम ऑब्ज़र्व करेंगे और एक घंटे के बाद हम दोबारा देखेंगे उसका स्टेटस क्या है।